Good evening, students. There was some problem in Zoom. I could not hear your voice. Okay, so please join here and fill your attendance. First, fill your attendance. Okay. सबने एक्सरसाइज सॉल्व किया है. फर्स्ट फिल योर अटेंडेंस स्टूडेंट्स. आज मैं आप लोगों का चंद्र बिंदु की मात्रा का ओरल टेस्ट लेने वाली थी, जो कि जूम में सरप्राइज टेस्ट होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण I could not take it. No problem. Some other day I can take it. मैं स्क्रीन पर कुछ आपको शब्द दिखाऊंगी और वो आपको पढ़ना है. जो हमारा पाठ हुआ है बिंदु वाले यानी अनुस्वार वाले शब्द, वैसे ही चंद्र बिंदु वाले शब्द. कौन कौन से अनुस्वार वाले शब्द? अनुस्वार यानी और चंद्र बिंदु वाले शब्द ये दोनों शब्दों का आपका ओरल टेस्ट मुझे लेना है. सो टुडे आई गॉट विदाउट इन्फॉर्मिंग दैट वाज सरप्राइज टेस्ट बट Today I did not take it. No problem. In our next period, that means it will be on Thursday. Thursday, Anuswar or Chandra Bindu ki matra ka aapka test liya jayega Zoom meetings. Okay? Zoom meeting dwara Anuswar or Chandra Bindu ka oral test hoga. My screen pe aapko jo shabd dikhaungi वह शब्द आपको पढ़ने हैं. ठीक है, एवरीबडी गॉट इट? दैट मींस ऑन ओरल टेस्ट ऑन 2nd of September थर्सडे. On Zoom platform, okay? On Zoom platform, I will take an oral test of जो हमारे अनुस्वार वाले शब्द हैं, बिंदु वाले शब्द और चंद्र बिंदु वाले शब्द, दोनों शब्दों का यानी अम की मात्रा और चंद्र बिंदु दोनों का oral test मैं अपने नेक्स्ट क्लास में यानी थर्सडे इस पर लेने वाली हूँ जूम प्लेटफॉर्म. सो एवरीबडी शुड बी अवेलेबल दैट डे एंड प्रिपेयर फॉर इट. ओके, प्रिपेयर फॉर इट. कोई भी शब्द मैं दूंगी आपको खुद पढ़ के दिखाना है वीडियो ऑन करके. जूम में आपका वीडियो ऑन होगा, जूम मीटिंग में आपका वीडियो ऑन होगा और स्क्रीन पे जो शब्द आएगा वो आप खुद पढ़ने की कोशिश करें. ठीक है, कोई भी शब्द आपको दिया जाएगा, एक शब्द हो सकते हैं, दो शब्द, तीन शब्द, कितने भी शब्द आपको दिए जाएंगे और आपको वो शब्द पढ़कर दिखाना है. एक बार हमारा हुआ था इसके पहले, तब मैंने स्क्रीन पर लिख कर दिखाया था और आप लोग पढ़े. अभी हो सकता है स्क्रीन में शब्द लिखा हुआ शब्द दिखाऊंगी, वहां आपको पढ़ने कोई भी स्क्रीन शेयर करूंगी जिसमें भी ये शब्द दिखे है वो आपको पढ़ने है. एवरीबडी गॉट इट? अभी इसमें किसी को डाउट है? कौन क्या लिखा है? मैम रीडिंग टेस्ट होगा. यस, इट विल बी रीडिंग टेस्ट. रीडिंग टेस्ट होगा
मैं शब्द दिखाऊंगी आपको स्क्रीन पर, वह शब्द आपको पढ़ने हैं आपका नाम लेके, ठीक है? लाइक दिस ओरल टेस्ट आई विल टेक, क्योंकि आपके अभी ये जो दो तीन मात्रा वो हुई है उसके बाद टेस्ट नहीं हुआ, तो आपके चंद्र बिंदु और अनुस्वार वाले शब्दों का टेस्ट होगा सेकेंड ऑफ सितंबर थर्सडे। तो जो भी आज प्रेजेंट है क्लास में ओरल इस लाइव क्लास में, प्लीज बी प्रिपेयर फॉर इट, ओके? ज्यादा से ज्यादा शब्द पढ़ने की कोशिश करो, आपको ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, वो आपको ढूंढने हैं शब्द बुक में और पढ़ने की कोशिश करनी, सिर्फ बुक के नहीं बुक के बाहर के भी कोई भी शब्द खुद पढ़ने की कोशिश करनी है। एनीबडी हैव डाउट अबाउट इट? स्टूडेंट्स हैव यू डाउट अबाउट इट? नो, ओके। एवरीबडी हैज फिल्ड अटेंडेंस? सबने एक्सरसाइज सॉल्व किया है गांव का उपाठ का? मैंने कल आपको बताया था एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, सबने सबकी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? शरीर का कौन सा अंग ऐकने के सॉरी शरीर का कौन सा अंग देखने में हमारी मदद करता है? बताइए शरीर का कौन सा अंग हमारी देखने में मदद करता है? जल्दी शरीर का कौन सा अंग है जो हमें देखने में मदद करता है? वेरी गुड, सबके आंसर चाहिए मुझे, एक या दो लोगों के आंसर मिलते हैं हमेशा। वेरी गुड, अथर्वण ने लिखा है, धनराज ने लिखा है, चैतन्य ने लिखा है, अद्वैत ने लिखा है, श्लोक ने भी लिखा है, ओके। तो आप सुनने का काम सुनने में मदद कौन सा काम करता है? आपके शरीर का कौन सा अंग आपको सुनने में मदद करता है? कान, वेरी गुड, वेरी गुड, यहाँ पे लिखा है कान, कान सुनने में मदद करता है। चलने के लिए कौन मदद करता है? चलने के लिए शरीर का कौन सा अंग चलने के लिए मदद करता है? अद्वैत ने क्या टैग किया है? पैर, ओके पैर, वेरी गुड, चलने में मदद करने वाला अंग है पैर, सुनने में मदद करने वाला अंग है कान और देखने में मदद करने वाला अंग है आंखें, ओके। और देखो और एक चीज दी है आपकी इस पार्ट में, पांच, पांच है नंबर आयु और पांचवा दिया है, पांचवा इसके आगे दिया है पांचवा, पांच यानी फाइव और पांचवा यानी फिफ्थ नंबर का, पांचवा यानी फिफ्थ, पांच यानी फाइव, पांचवा यानी फिफ्थ। ये समझ में आया सबको? देखो इसमें चंद्र बिंदु दो जगह में आया है,
को आया है क्योंकि दोनों का उच्चारण वैसा है। सात सातवां क्या है? सातवां वा पे चंद्रबिंदु है, सा पे नहीं। समझ में आए सबको? वैसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां वा पर चंद्रबिंदु। अब ये नंबर्स जब हम फिर से फिफ्थ सिक्स ये पढ़ेंगे तब आपको रिपीट होंगे, कोई बात नहीं। इस पार्ट में किसी को डाउट नहीं है? ओके, एवरीबॉडी हैज फिल्ड द अटेंडेंस। इफ एनीबॉडी हैज लेफ्ट प्लीज फिल योर अटेंडेंस। थैंक यू वेरी मच। यू हैव टू keep in mind about our oral test, okay? Thank you students. Thank you, bye. तो क्लास बंद केला ना नंदू, एक कमरा एक हा समोरचा क्लास आहे जिथे कम्प्युटर आहे, हा जैसे तिथे तिथे जरा मी हे करते बंद मी क्लास तिथेच ठेवा।